अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी आई है हमें रावलपिंडी से भेजिए। भाई ने चेक करते हैं, खोलते हैं इसे। E1 का एरर बताया उन्होंने, तो इसमें आप जी हमने ली, खोल जी इसे, खोल के देखते हैं। आप जी डबल डबल में पैक है जी। अच्छा जी, ये खुल गई है जी। पीसीबी ओपन हो चुकी है आपके सामने। सबसे पहले इसकी कूल चेकिंग हम करते हैं ताकि हमें पता चले कि इसमें क्या मसला है, क्या नहीं, क्या बात है ऐसी कि जो इसने ये भेजी हमें। तो अब यहाँ से ऐसी कोई चीज़ नहीं महसूस हो रही, इसको बाहर निकाल लेते हैं जी। इसके बाहर निकालने के बाद ये देखते हैं यहाँ से भी कोई चीज़ बर्न हुई हुई नहीं इसमें। तो इसकी बैक साइड भी चेक कर लेते हैं अब हम। तो बैक साइड से भी ये ठीक है, तकरीबन कोई चीज़ ऐसा मसला नहीं है बज़ाहिर। तो इधर से भी देख लेते हैं, कोई चीज़ भी ऐसी नहीं हुई हुई। तो ये है, ये देखें यहाँ से कुछ किया गया है। ये देखें इसकी जो 7005 है, इसकी एक लेग कटी हुई है। पहले सबसे पहले इस पे देखते हैं कि ये उन्होंने, ये नज़र आपको आ रही होगी कटी हुई, ये क्यों कटी है। तो इसको देख लेते हैं अब हम, मीटर से चेक कर लेते हैं। जैसा कि मीटर को हमने मदर मोड पे लगाया है, मदर पे लगा के देखते हैं। दूसरा मीटर रखते हैं, इसकी बेल डाउन है जरा। तो इसे चेक कर लेते हैं हम यहां से पहले। सबसे पहले एक देखते हैं इधर, एक नीचे लगा के इसके जो इसके 7070 अपना सॉरी माइक्रो प्रोसेसर को जाती है, इधर लगा के देखते हैं। ये देखें नीचे से ये शॉर्ट है, ये देखें ठीक है जी, ये शार्ट है। इसको अब वोल्टेज देने का फायदा नहीं, इसका जो मेन ये खराब हो चुका है ये वाला माइक्रो प्रोसेसर। तो अब ये हुआ क्यों हुआ ये भी देख लेते हैं। अमूमन ये उस वक्त होता है जब इसका आईपीएम शार्ट हो या कोई मसला हो, उसकी वजह से अमूमन ये होता है। चलो नॉलेज सही है आपका, लेकिन ऐसी वीडियो देखें हम ना भी डालें तो कोई मसला, लेकिन इसका नॉलेज एबल देखें उन्होंने वायर कैसे यहाँ पे लग काटी चेक की, तो इससे बेहतर होता है कि मैं इसीलिए ये वीडियो ऐसी बना देता हूँ कि आप इसको देखें चेक करें। और आपको अगर यही चीज वो वीडियो ये अब वीडियो डलेगी तो कोई बंदा ऐसे चेक कर लेगा तो उसे कोई चीज काटने की या एक मैकेनिक के पास पीसीबी भेजने की जरूरत भी पेश नहीं आएगी। तो इसलिए मैं वीडियो बना देता हूँ, कोई भी वीडियो हो इसलिए बनाते हैं। अगर देखें अगर हम चाहें भी ये कि रिपेयर नहीं हो सकती, छोड़े जी इसकी वीडियो क्यों डाली हमने, फायदा ही कोई नहीं। कोई कहेगा अगर मैंने रिपेयर नहीं की, ये मसला नहीं होता। मसला मकसद ये हमारा, मेरा एक मकसद मिशन यही होता है कि कोई बंदा सीख ले, बस इसलिए डालता हूं। किसी को अच्छी लगे ना लगे वो कोई मसला नहीं मुझे, लेकिन मैं अपना एक फर्ज समझ कर इसको बना देता हूं। चलो कोई बंदा देख ले, चलो उसको कुछ ना कुछ फायदा हो सके। तो ये मैंने इसको अब दिया निकाल, ये देखें यहां से खोल के अब हम इसका आईपीएम जरूर चेक करेंगे, वो भी आपके लिए सही है, वो भी आपके लिए, क्योंकि आप को इसका अंदाजा हो जाए कि इसमें ये मसले की वजह से मसला हुआ है, सिर्फ इसलिए। और मुझे इसमें कोई जरूरत नहीं थी, मैं ना भी करता तो कोई बात नहीं थी। ये देखें अब इसमें हम चेक करेंगे इसका UVW। जब UVW शार्ट हुआ तो इसकी ये मेन यहां से इसको क्रॉस होके ये शार्ट हुई। तो ये देखें यहाँ पे हमने ये मीटर बदर मोड पे है हमारा, ये आपको नजर आ रहा होगा। ये देखें आप, ये देखें जी यहां पे यू देखें भी ये वाली जो शार्ट है, ठीक है यही बात हुई ना, मुझे इसलिए यही अंदाजा था इसमें क्योंकि शार्ट इसमें हुई है तो ये ऐसा सिलसिला इसमें हुआ है। तो ये इसलिए हुआ है कि इधर से ये क्रॉस हुआ, इधर हाई वोल्टेज आए आके ये इसने जला दी। ये देखें ये देखें आ गया ना, इधर से इसके अंदर से ये शार्ट हो गया, ये देखें ठीक है। जब भी ये शार्ट हुआ तो इसने क्या किया, इसने सीधा इसको करंट दिया, इसको माइक्रो प्रोसेसर को वोल्टेज दिए। जो ही माइक्रो प्रोसेसर को वोल्टेज आए इधर से, तो ये उसी वक्त यहां से ये देखें शार्ट हुआ है ये वाला।
तो यूं ही ये शार्ट हुआ, तो इधर से ये देखें यहां से सीधे मैक्रो प्रोसेसर को वोल्टेज आया, मैक्रो प्रोसेसर इसका जल गया। तो ये इसकी रीजन थी जलने की जो हमने आपको बता दी, छोटी सी वीडियो थी। तो ये पीसीबी आम किटों अपने लग के आ रही आपके एसियों में, तो इसलिए ये बना दी वीडियो, चलो आपके ये काम आ जाए। तो इसके साथ ही जी शुक्रिया वीडियो देखने का, तो जी खुदा हाफिज। उम्मीद है कि आपको काफी कुछ समझ आया होगा इसमें।